क्या अंबा फंस गई है अपनी जाल में? क्या किडनैपिंग में अंबा का ही है हाथ? सीरियल ना उम्र की सीमा में अंबा फंस गई है अपनी ही जाल में, जहां पर ऑफिसर अंबा को देती है धमकी कि कहीं इस किडनैपिंग के पीछे अंबा का ही तो हाथ नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में अंबा ने हमसे क्या बातचीत की है। थैंक यू मैम। देखा जा रहा है पुलिस स्टेशन में है और जो भी जो ऑफिसर हैं वो आप पे ही ब्लेम कर रहे हैं और आप ही शक कर रहे हैं और आप भी काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी टेंस हैं। क्या लगता है मैम सीन के दौरान आप क्या क्या है ये चीज़ थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे? डिटेल में मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि अम्बा ने इतने कांड किए हैं दैट इट इज़ हिटिंग हर बैक। तो बोलते हैं ना कि एक ऐसा मोड आ गया है अम्बा की लाइफ में जहाँ पे उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो अम्बा जिंदगी में लोगों के काउंटडाउन शुरू करती है, अब अम्बा का काउंटडाउन शुरू हुआ है। किडनैपिंग विडनैपिंग कुछ नहीं है, जबरदस्ती अंबा को फंसा रहे। ओके ओके सो और मैम इस सीन में और क्या देखने को मिलेगा आगे? बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आया है हमारा शो, जहाँ पर कर्मा हिटिंग बैक बोलते हैं जिसको, तो वैसी सारी चीज़ें हो रही है। सो आई होप इट गेट्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। वैसे आपको बता दूं जिस थाने में आप रिपोर्ट करके आई है ना वो मेरी ही ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। कहा था ना आपसे दादा चोर की गाड़ी में तिलका, ये हरकत करके आपने मेरी शक की सुई को और आपकी तरफ घुमा दिया। कहीं आप ही इन सब में इन्वॉल्व तो नहीं, मतलब कहीं आपने ही अपनी बहू का किडनैप कराया हो? आखिर डोमेस्टिक वायलेंस के हेल्पलाइन पे फोन गया था मैडम, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे जैसे मैंने चित्रा के साथ कुछ खतरनाक कर दिया? मैंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है। ऐसा तो मैं भी नहीं कह रही मैडम, लेकिन क्या करें, हमको ये जो सरकारी सैलरी मिलती है ना वो शक करने के लिए मिलती है। हमारे ये कांस्टेबल है ना श्रीवास्तव जी, सच कहूँ तो क्या स्माइल आ गया, सच कहूँ ना मैडम मुझे कभी कभी इन पे भी शक होता है। कहीं थाने में ही केस बढ़ाने के लिए इन्होंने ही तो आपकी बहू रानी को अपहरण नहीं कर लिया, हो सकता है ना? तो इसलिए आप चुकन नहीं रही है और अगर कुछ याद आए तो हमें इत्तला कीजिएगा, बस यही याद दिलाने के लिए फोन किया था, जस्ट अ रिमाइंडर। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने कुछ किया है, लेकिन क्या है ना मैडम ये जो सरकारी महकमा है ना ये हमको सैलरी शक करने के लिए देता है। सच कहूँ तो हमारे कांस्टेबल हैं श्रीवास्तव जी, क्या स्माइल है, मुझे भी शक होता है कहीं इन्होंने तो आपकी बहू का अपहरण नहीं कर दिया, केस बढ़ाने के लिए थाने में। तो इसलिए आप थोड़ा चुकन नहीं रही और कुछ याद आए तो इत्तला कीजिए, हम तो इंतजार में बैठे हैं, बस यही याद दिलाने के लिए फोन किया था, रिमाइंडर। Thank you.
आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।